हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टमाटर की बहुत ही चटपटी सी चाट बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, हमने टमाटर को बारीक सा काट लिया है और इधर कढ़ाई हमारा गर्म है तो उसमें 2 चम्मच घी डाल दिए हैं। और जैसे ही घी मेल्ट होता है उसमें हम बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। तो ये देखिए, घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है तो उसमें हमने बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डाल दिए हैं। और बस इसको थोड़ा सा हल्का भून लेते हैं पहले। तो ये हल्का सा भून गया है तो इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं और प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। और टमाटर की चाट आपने बहुत ही बार हो सकता है बनाकर खाए हो, पर एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। और जैसे ही हमारा प्याज हल्का भून गया है उसमें हमने डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और ढेर सारा पूरा भरकर भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा बस हल्दी पाउडर। और इन सभी मसालों को अच्छे से हम भून लेते हैं, अच्छे से पका लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये बारीक कटा हुआ टमाटर जो हमने पहले से ही काट कर रख लिए थे। तो बस इसको मसाले के साथ अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने अच्छे से इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं और इसे कुछ मिनट के लिए ढककर हम पका लेते हैं। चलिए इसे वापस चेक करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि हमारा जो टमाटर है काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और हल्का पक गया है। तो इसे थोड़ा देर मैं और पकाऊंगी। और इसमें हम हल्का सा नमक डालते हैं और बाद में फिर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो हमने पहले थोड़ा सा नमक डाला है ताकि जो टमाटर है ना बहुत अच्छे से पक जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो टमाटर है ना बहुत अच्छे से पक गया है, एकदम नरम सा हो गया है पकने के बाद। और बस मैं इसको हल्का सा इस तरह से मैश कर लेती हूँ। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से पक गया है और हल्का सा मैंने मैश किया है, बहुत बारीक नहीं। और इधर हमने उबला हुआ आलू लिया है जिसको अच्छे से मैश कर लिया है, हल्का दरदरा जैसा, मतलब कि थोड़ी सी गुठलियाँ जैसी है, हम उसे हमने मैश किया है। तो बस इसको टमाटर में हम मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसको और भी चटपटा बनाएंगे थोड़ा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और इसमें डालते हैं ढेर सारा भर के धनिया, हरा धनिया पत्ता, और इसके ऊपर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो ध्यान रखें कि थोड़ा पहले भी हमने इसमें नमक डाला था तो उसके हिसाब से स्वाद अनुसार नमक हमने इसमें डाला है। और बस हल्का सा पानी डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा सूखा लग रहा था टमाटर चाट, तो इसमें हमने हल्का सा पानी डाल दिया है। और अब ये काफ़ी अच्छे से टमाटर चाट हमारा रेडी हो गया है। तो इसे और भी चटपटा बनाते हैं हम। तो चलिए पहले एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है और ऊपर से डालते हैं इमली का जूस और बारीक कटा हुआ प्याज और इसमें डालते हैं नमकीन। तो आप कोई भी नमकीन ले सकते हैं। और ऊपर से डालेंगे इसमें फेटा हुआ दही। दही डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। और ढेर सारा फिर से डालते हैं इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर और हरा धनिया ऊपर से डालते हैं। और थोड़ा सा ऊपर से और नमकीन इसमें डाल देते हैं। और ये लीजिए, हमारा टमाटर का चाट बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। आई होप कि ये रेसिपी आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आप सभी से।